हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीरीज के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसकी वजह से ही सुगुना गोजो को मार पाया। और अगर वो कैरेक्टर ना होता तो शायद ही सुगुना गोजो को मार पाता। जी हाँ, समझदार लोग अब तक समझ चुके होंगे। आज हम बात करने वाले जनरल महोरागा के बारे में और वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी मजा आएगा। वेल, महोरागा एक बहुत ज्यादा पावरफुल शिकिगामी है जो कि 10 शैडो टेक्निक के अंडर आता है। और 10 शैडो टेक्निक वही है जिसे कि मेगुमी यूज करता था और अलग अलग शिकिगामी को बुलाता था। अब महोरागा कितना ज्यादा ओपी है तुम इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ये बंदा गोजो और सुगुना दोनों से फाइट कर चुका है और ये इन दोनों को ही बराबर की टक्कर भी दे चुका है। और जब पास्ट में 10 शैडो वर्सेस 6 साई आपस में टकराए थे तो 10 शैडो का यूजर महोरागा का सवन किया था और महोरागा 6 साई के यूजर को मार गिराया था। और प्रेजेंट में 6 साई का यूजर है गोजो जो की मारा जा चुका है महोरागा की वजह से। मतलब समझ रहे हो, दो बार मारे गए 6 साई के यूजर महोरागा की वजह से। और आज तक कोई भी 10 शैडो यूजर महोरागा को हरा नहीं पाया है, इसी की वजह से कोई भी आज तक उस पर काबू भी नहीं पाया एक्सेप्ट सुगुना और गोजो को छोड़ के। और बात करें महोरागा की फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो ये शिकिगामी कितना ज्यादा लंबा चौड़ा है तुम इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। इवन सुगुना वर्सेस महोरागा की फाइट में जब महोरागा सुगुना को एक चांटे की रखता है तो वो 4-5 बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। इसी के साथ महोरागा के पास है सुपर स्ट्रेंथ और उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट है। महोरागा किसी भी तरह की चोट पे खुद को तुरंत हील और रिजेनरेट कर लेता है। फाइट के दौरान महोरागा अपने अपोनेंट के हिसाब से अपने अटैक को बदल सकता है। और महोरागा की सबसे ज्यादा ओपी टेक्निक या फिर तुम उसकी स्पेशल भी कह सकते हो कि वो किसी भी अटैक को अडेप्ट कर लेता है, जिसके लिए उसके सर पे लगा धर्म चक्र एक बार रोटेट होता है और उसका अटैक अडेप्ट हो जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर तुम महोरागा से फाइट कर रहे हो और अगर तुमने महोरागा पे कोई अटैक करा तो तुम्हारे अटैक से महोरागा चोटिल जरूर होगा, लेकिन उसके सर पे लगा धर्म चक्र एक बार घूमेगा, वो तुम्हारे अटैक को अडेप्ट करेगा और साथ ही खुद को हील करेगा। और अगली बार तुम उस पर हमला करोगे तो उस पर तुम्हारे हमले का कोई भी असर नहीं होगा। और इसी की वजह से महोरागा सुगुना के डिसमेंटल, गोजो के डोमेन एक्सपेंशन, उसका ब्लू और साथ ही उसके लिमिटलेस को भी कॉपी कर पाया था। इसके लिए महोरागा के धर्म चक्र को भी 4 बार घूमना पड़ा था। इतना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है अपना गोजो सातोरो। और महोरागा के पास एक ऐसी एबिलिटी भी है जिससे कि वो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना तक को भी मार सकता है, जो कि ये महोरागा के हाथ पे लगी हुई है तलवार जो कि पॉजिटिव कर्ज एनर्जी से लैस है। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि एक कर्ज स्प्रेड बनती है नेगेटिव इमोशन से, यानी कि नेगेटिव एनर्जी से। और महोरागा की तलवार के अंदर है पॉजिटिव कर्ज एनर्जी जो कि इन कर्ज स्प्रेड के लिए एक जहर की तरह है, जो कि इन्हें इंस्टेंट किल कर सकती है चाहे कर्ज स्प्रेड कितनी ही ज्यादा पावरफुल हो। इवन सुगुना वर्सेस महोरागा की फाइट में सुगुना ये बात खुद बोला था कि अगर वो यूजी की बॉडी के अंदर ना होता और खुद की ओरिजिनल बॉडी के अंदर होता तो महोरागा उसे कब का मार चुका होता। मतलब समझ रहे हो, किंग ऑफ कर्सेस सुगुना खुद ये बात बोल रहा था, महोरागा कितना ज्यादा ओपी कैरेक्टर होगा। क्या तुमने सोचा है कि महोरागा वर्सेस रीगा के बीच में फाइट हो जाती तो क्या होता? वेल, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, तो जाके एक बार ट्राई जरूर करना। अब तुम भी सोच रहे होगे महोरागा इतना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, आज तक कभी हारा नहीं, तो गोजो और सुगुना ने उसे हराया कैसे? वेल, इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, महोरागा को सिर्फ एक ही तरीके से हराया जा सकता है जो कि है वन शॉट किल। कहने का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा अटैक होना चाहिए जो कि नया हो और महोरागा ने कभी देखा ना हो और इतना ज्यादा पावरफुल हो कि महोरागा के अटैक को अडेप्ट करने से पहले उसे खत्म कर दे। सुगुना ने महोरागा से फाइट के दौरान फायर मैनिपुलेशन का यूज करा था और सुगुना को वन शॉट में मार गिराया था। वही गोजो ने यूज करा था अपना होल पर्पल जिसकी वजह से महोरागा जलकर राख हो गया था। वेल, वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।